हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी की फर्स्ट सेवन टर्म्स का सम यहाँ पे 49 गिवन है, और इसी तरह से उसी एपी की फर्स्ट 17 टर्म्स का आपके पास में सम 289 गिवन है। टू दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी वैसे ही 17 टर्म्स का सम आपके पास में 289 गिवन है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स की एंड टर्म्स तक अगर ये एपी जाएगी तो उसका सम क्या होगा, आपको वो फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे सेवन टर्म्स, किसी एपी की फर्स्ट सेवन टर्म्स का सम यहाँ पे 49 गिवन है, और उसी एपी की फर्स्ट 17 टर्म्स का सम आपको यहाँ पे 289 गिवन है। यानी कि हमारे पास में सेवन टर्म्स तक का सम, यानी S7 दैट इज 49 ये गिवन है, और 17 टर्म्स तक का सम यानी कि S17 दैट इज 289 ये गिवन है। इससे हम और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस वाली SN के लिए हमारा N जो है वो 7 है, और इस वाली SN के लिए हमारा जो N है वो 17 है। ठीक है, तो N is equals to 7 and N is equals to 17, ये दोनों अलग अलग टर्म्स के लिए है। तो हमारे पास में अलग अलग टर्म्स के लिए हम सबसे पहले इसमें इन दोनों डेटा के साथ में पहले फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर इन दोनों डेटा के साथ में हम फॉर्मूला लगाएंगे SN का, दो बार फॉर्मूला लगाएंगे, ताकि हमारे पास में जो हमारी दो अननोन वैल्यूज है, कौन सी दो अननोन वैल्यूज है, एक तो A की और एक D की, दोनों ही हमारे पास में अननोन है, ताकि ये दो इक्वेशन बने इस दोनों SN के फॉर्मूला से, और इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी, और दो इक्वेशन से हम A और D, दो इक्वेशन से दो अननोन वैल्यूज A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यानी SN S7 से, तो when you have n is equals to 7, so your formula is n sn is equals to n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 d, so s7 that is 7 by 2 2a plus n minus 1 यानी 7 minus 1 d, तो बन गया यहाँ पे s7 आपके पास में कितना गिवन है 49, तो s7 की जगह आप यहाँ रखेंगे 49 and so SN के प्लेस पे 49, N के प्लेस पे 7/2 है ही, और 2A हमें फाइंड करना है, 7-1 is 6D, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 49, तो पहले 49 ये 7 से यहाँ डिवाइड होके आ जाएगा, और जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे 1/2 से, तो यहाँ बचेगा A प्लस 2A में से जब 2 बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर और A अंदर, ऐसे ही 6D में से भी 2 का जो मल्टीपल है 6 में से तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा अंदर 3D, इस तरह से 2 से 2 कट, तो यहां से हमारे पास में 49/7 is 7 और a plus 3D, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकंड जो हमारे पास में S17 गिवन है उसके लिए भी हम SN का फॉर्मूला लगा के इस तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। S17 is equals to 289 आपके पास में ये गिवन है, जिसके लिए n is this number that is 17 is given। अब आपको SN का फॉर्मूला n by 2 सेम लगा देते हैं, 2a plus n minus 1d, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, S17 यानी कि S17 कितना गिवन है 289, हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू 17/2 एंड 2a plus n is 17-1 and d, तो 289 17/2, यहाँ से 2a plus 17-1 is 16d, यहाँ से अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं 17/2 में, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a plus 8d, 17 से मीन 2 से 2 कट, और यहाँ पे 289 जब 17 राइट साइड में आ जाएगा, आई मीन लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि 289 is the square of 17, तो यहाँ से कट हो जाएगा, तो मैंने 17 जो कि मल्टीप्लाई में है राइट साइड में, उसको मैंने लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले लिया, तो 17 से जब 289 कट होगा तो 17 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो लेफ्ट साइड में 17 और राइट साइड में a प्लस 8d, क्योंकि बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन।
सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और दोनों जब दो इक्वेशन हमारी साथ में बन जाती है, लीनियर इक्वेशन जब बन जाती है, तो हमारे पास में तीन चार मेथड्स हैं जो कि हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़े थे. एक तो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, एक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और एक हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था. तीन मेथड पढ़े थे, चौथा मेथड इन्हीं से बेस्ड था तो उसका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ. तो तीन मेथड्स जो हैं इनमें से आप कोई सा भी यूज में ले लीजिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए और हमारी ए और डी की वैल्यू आ जाएगी. तो हम सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज में ले रही हूँ. तो एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशन को एक साथ में लिख लेते हैं और किसी भी एक वेरिएबल या तो ए या फिर डी, किसी भी एक वेरिएबल के लिए आप किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम इक्वल बनाएंगे. यानी ए का मल्टीपल वन, यहाँ भी ए का मल्टीपल वन, दोनों के कोएफिशिएंट हम इक्वल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है. अब हमें सिर्फ इन दोनों कोएफिशिएंट यानी ए वाले पार्ट को हमें कैंसिल आउट कर देना है ताकि सिर्फ वहां पे डी का पार्ट बच जाए और डी के हम वैल्यू फाइंड कर लें. तो हम इसको कैंसिल आउट करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्शन लगा देंगे यानी साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो 17 का माइनस ए का माइनस 8 डी का भी माइनस. 7 माइनस 17 इज माइनस 10. हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है और जो भी आंसर आता है यानी 10, 17 माइनस 7 इज 10 और जो बड़ा है उसका साइन यानी कि माइनस. ए माइनस ए कैंसिल आउट होके 0. 3 8 डी माइनस 3 डी इज 5 डी और यहाँ से माइनस, माइनस से माइनस कट तो 10 इज इक्वल्स टू 5 डी. देन डी इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 यानी कि कितना आ चुका है 2. तो डी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2. अब हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं. किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी के भी अंदर डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का आंसर ए की वैल्यू आ जाएगी. तो हम फर्स्ट के अंदर रख लेते हैं 7 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 इंटू डी की प्लेस पे 2. तो 7 3 इंटू 2 6 प्लस का है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का. तो a इज इक्वल्स टू 1 हमें यहाँ से मिल चुका है. तो हमारे पास में यहाँ से a और d की वैल्यू आ चुकी है. हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है. तो हमें हमारी जो n की वैल्यू है वो n ही है क्योंकि n टर्म्स से हमें फाइंड करनी है. और हमारे पास में a और d की वैल्यू भी अब आ चुकी है तो इनको यूज में ले लेते हैं. a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 1. d इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 1 एंड आपके नंबर ऑफ टर्म्स इज n. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n. हमें क्या फाइंड करना है sn के लिए, n टर्म्स के लिए सम फाइंड करना है. तो sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. तो n बाई 2 n के प्लेस पे n क्योंकि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स n ही है. 2a हमारा क्या है 1 प्लस n, हमें ऑलरेडी n ही है हमारे पास में 1 और d की वैल्यू हमारी है 2. तो sn n बाई 2 2 इंटू 1 इज 2. n माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2n माइनस 2. 2 से 2 कट और यहां से हमारे पास में बच गया sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2n इंटू 2n. 2 से 2 कट आ गया हमारे पास में sn इज इक्वल्स टू n इंटू n यानी कि n स्क्वायर. दिस इज आर n टर्म्स का सम. मतलब हमारे पास में n टर्म्स के सम कितना आ चुकी है n स्क्वायर. तो हमारा यहाँ तक आंसर सॉल्व हो चुका है. यही हमारा n टर्म्स का सम है n स्क्वायर. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी स्टेप में इस क्वेश्चन के या फिर किसी भी और क्वेश्चन के तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं. इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहां जाके फॉलो भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा हम वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं. और आप हमारी क्विजेस भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक यहाँ पे गिवन है www.asanstudy.com. और इसके अलावा अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा जो कि इस साल 10th क्लास में है. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.